गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा क्या, हेलो एरिन। तो देखो बेटा, हेलो एरिन में अब तक हमने ये पढ़ लिया था कि हम पढ़ रहे थे बेटा क्या, जो आपका हेलो एरिन होता है, उस हेलो एरिन में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अगर आपके पास बेंजीन की रिंग है और उस बेंजीन की रिंग में से आप एच को, एक एच यहां से जब आप इसको हटाते हो, एक एच हटा के आप यहां बेटा क्या लगा देते हो, कोई भी हैलोजन। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर बेटा बनता है आपका क्लोरोबेंजीन एच रिसेप्टर, इसको बोलते हैं बेटा क्या, हेलो एरिन। इस हेलो एरिन में मैंने आपको इतना समझा दिया था बेटा कि नॉर्मली अगर हम देखें तो कार्बन और एक्स, कार्बन और हैलोजन का जो बंद लंबाई है, क्या है बेटा, बंद लंबाई वो नॉर्मली कितनी होती है बेटा, 1.77 एंगस्ट्रॉम। ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है, उस सिंगल बॉन्ड की जो बेटा बॉन्ड लेंथ होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये देखा गया कि जो बेंजीन की रिंग होती है, इस बेंजीन की रिंग में जो लगा होता है हैलोजन, उस हैलोजन और कार्बन के बीच की जो बंद लंबाई है वो 1.77 ना होकर कितनी आई बेटा, 1.60 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई, इतना बेटा हम पढ़ चुके थे। इसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मली सी एक्स बंद की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम नॉर्मली। लेकिन ये देखा गया कि बेंजीन की रिंग में जब आप एच हटा के कोई भी एक्स लगा देते हो तो इसकी जो बंद लंबाई है बेटा क्या हो जाती है, घट जाती है। ये इसकी जो बंद लंबाई है वो क्या होती है बेटा, घट जाती है। अब ये जो बंद लंबाई होती है, इसके घटने का रीजन क्या है, इसके घटने का कारण क्या है, वो देगी बंद लंबाई का, जो इसकी बंद लंबाई होती है, किसकी बंद लंबाई बेटा, सी एक्स बंद की, किसमें, बेंजीन में। बेंजीन में जो सी एक्स बंद होता है, यानी कि जो आपका हेलो एरिन है, उस हेलो एरिन में जो सी एक्स बंद है, हेलोजन और कार्बन के बीच का जो बंद है, उसकी जो बंद लंबाई है वो क्या होती है बेटा, घट जाती है। और बंद लंबाई के घटने का जो कारण है बेटा वो क्या है, वो है बेटा क्या, अनुनाद। क्या है बेटा, अनुनाद, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनादी प्रभाव, इसको प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद की वजह से जो बंद लंबाई है घट जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा वहां पर आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध बनता है, जो दिखने में आपको सिंगल बॉन्ड एकल बंध लग रहा था, एक्चुअल में रेजोनेंस की वजह से बेटा उसमें क्या आ जाता है बेटा, आंशिक द्विबंध के करैक्टर आ जाते हैं। और आप जानते हो सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे अधिक होती है, डबल बॉन्ड की जो लंबाई है वो सिंगल बॉन्ड से बेटा कम होती है। इस वजह से, आंशिक द्विबंध की वजह से इसकी जो बंद लंबाई है बेटा वो 1.77 से घटकर कितनी हो जाती है, 1.60 हो जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस चीज को, तो याद रखें कि नॉर्मली सी एक्स बंद की लंबाई होती है 1.77, लेकिन जैसे क्लोरोबेंजीन है या फिर हेलो एरिन है, उसमें जो सी एक्स बंद है उसकी जो बंद लंबाई होती है वो घट क्यों जाती है, तो रीजन आप क्या बताओगे, रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद की वजह से, वहां पर
आंशिक द्विबंध बनता है। कहां बनता है आंशिक द्विबंध? कार्बन और हैलोजन के बीच। क्या बनता है बेटा? आंशिक द्विबंध, पूरा नहीं, आंशिक द्विबंध बन जाता है। और जानते हो आप द्विबंध जो डबल बॉन्ड होता है बेटा, उसकी जो लंबाई होती है वो सिंगल बॉन्ड से कम होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक बार ढंग से देख लेते हैं। अब आती है कि क्लोरोबेंजीन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जो अनुनादी संरचना है वो क्या होगी, देखिए। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना याद रहे बेटा, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और पिछले सालों में क्वेश्चन आए भी हैं बेटा कि क्लोरोबेंजीन है, टॉलुइन है, ठीक है, एनिलीन है, और आपका एरिनियम आयन है, और चैप्टरों में भी है कई सारे क्वेश्चन। तो वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा पूछी जाती है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप ढंग से समझें। देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है आप जानते हो, यह बेटा आपका क्लोरोबेंजीन, यानी कि जो बेंजीन की जो रिंग है आपने क्या किया है, एक एच को हटा दिया है बेटा, और एक आपने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, ये बन गया बेटा आपका क्लोरोबेंजीन। अब बात आती है कि क्लोरोबेंजीन की जो रेजोनेंस है, जो अनुनादी संरचना है, वो क्या होती है। देखिए याद रहे, क्लोरीन जो होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कितना होता है बेटा, 287, यानी कि इसका जो आउटर सेल होता है, जो बाहरी कोष होता है, उस बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, लेकिन यहां पर ये क्लोरीन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है। इसका मतलब हम यहां पर लगा सकते हैं लोन पेयर, आपको क्लोरीन के पास क्या दिख रहा है बेटा, लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या होगा, जो लोन पेयर है ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर है उन्हें दान करेगा कहां बेटा, रिंग के अंदर। तो देखो क्या इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे की ओर जाएंगे, इस रिंग में अंदर जाएंगे, तो यहां बेटा क्या पैदा होगा, डबल बॉन्ड। जब यहां डबल बॉन्ड आएगा तो इस वाले कार्बन की जो वैलेंसी है वो बेटा क्या हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। या ध्यान दें, ये क्लोरीन है, इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये इलेक्ट्रॉन से कहां दिया है, रिंग के अंदर दिया है, तो यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। जब यहां डबल बॉन्ड बना दोगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, और कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है बेटा, 4। अब क्या होगा देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन देखो, जब यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, आगे की ओर। देखो क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड और यहां क्लोरीन, अब देखो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दान किया है तो क्लोरीन पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन कहां गए, यहां पर, तो यहां क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, आगे नेगेटिव।
नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, आगे आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर, और कार्बन कभी भी नेगेटिव चार्ज को नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज केवल वही स्टेबल होगा जहां पर उस तत्व की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, जो विद्युतता है वो ज्यादा होगी। लेकिन आपको पता है कार्बन की जो विद्युतता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, वो ज्यादा नहीं होती, इसलिए कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं चाहता। तो कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, फिर वही कंडीशन, यहां बनेगा डबल बॉन्ड और कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, पांच। देखो यहां पर सब जगह एक एक एच लगा हुआ है, याद रखें इस चीज, सब जगह पर क्या लगा हुआ है, एक एक एच लगा हुआ है। एक एच यहां भी था जो हमने हटा दिया, क्लोरीन को लगा दिया, इसका मतलब अब भी यहां सब जगह एक एक एच मौजूद है, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां, यहां बनेगा डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड बनते ही इस वाले कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, पांच। देखो वन टू थ्री और फोर फाइव, डबल बॉन्ड आ जाए तो अब क्या करें, फिर वही कहानी, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, ये कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, देखो क्या बनेगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब फिर क्या होगा, ये यहां और ये वाला यहां, ठीक है, देखो क्या बनेगा, यहां से यहां ये गया, यहां क्या बनाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहां और यहां क्या जाएगा, सॉरी माइनस, और यहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड सी है, और यहां प्लस चार्ज, और यहां पर डबल में यहां। अब लास्ट स्टेज में क्या होगा, फिर वही कहानी, देखो ये माइनस चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये और यहां पर प्लस। अब बेटा क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन वापस अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां जाएंगे, क्लोरीन के पास, और ये कहां जाएगा, यहां पर, तो यहां से क्या बनने वाला है, वापस आपकी वही स्ट्रक्चर बेटा आ जाएगी, याद रखें इस चीज को, दिख रहा है क्या, यहां से दिख रहा है, ठीक है, जरा गौर से देखें बेटा, ये क्लोरोबेंजीन सभी जानते हो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ, क्लोरीन लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, रिंग के अंदर, तो यहां बेटा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड बनते ही कार्बन की बेटा बैलेंसी कितनी हो जाएगी, फाइव, और होती कितनी है बेटा, चार। तो क्या करेंगे फिर हम, ये बंद टूटेगा, और यहां कौन सा, पाई बंद, आप जानते हो पाई बंद कैसा होता है, दुर्बल बंद होता है, आसानी से टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या जाएगा, प्लस चार्ज। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कभी कार्बन इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता, क्या करें, नेगेटिव चार्ज कार्बन अपने ऊपर से हटाने के लिए कार्बन क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन फिर रिंग में देगा, तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और फिर यहां पर कार्बन की बैलेंसी बेटा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी,
ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाएंगे तो ये बच जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर इस तरीके से, और लास्ट में बनेगी ये स्ट्रक्चर, और ये वाली स्ट्रक्चर बेटा लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है बेटा क्लोरो बेंजीन की अनुनादी स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, पेपर में पूछी जाती है इस चीज का विशेष ध्यान। अब देखिए बेटा यहां पर अगर हम इसका क्या बनाए, हम इसका बनाए हाइब्रिड यानी कि संकर। अगर हम इसका संकर बनाएं तो देखो क्या बनेगा, इन सबको मिला के अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो क्या बनेगा, सबको मिला के देखो क्लोराइड। देखिए बेटा मैंने आपको क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण में बता दिया था कि वाइनिल क्लोराइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी से लगा हुआ हैलोजन क्या कहलाता है, वाइनिल क्लोराइड। अब तो क्या कर रहे हैं, यहां पर कितने हैं चाहिए बेटा, दो सी एस टू, यहां पर सी एच और यहां पर क्या लगा क्लोरीन। ये बेटा आपका क्या है, वाइनिल क्लोराइड यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर सीधा लगा हो हाइड्रोजन उसे क्या बोलते हैं, वाइनिल। और आपने शायद ये भी पढ़ रखा है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगले कार्बन पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगले कार्बन पर यदि लगा हो हैलोजन उसे क्या बोलते हैं, एनिल। इसको मैं क्या नाम दिया था, तो ये क्या है, बाइनरी। अब देखिए इसमें भी वही कहानी है कि नॉर्मली देखें तो सी क्लोरीन सीसीएल के बीच जो बंद लंबाई होती है वो कितनी थी, 1.77 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसमें कितनी आती है, 1.69 एंगस्ट्रॉम। अब ऐसा क्यों है, देखो याद रहे बेंजीन कितनी
कितनी आती है 1.60, यहाँ कितनी आ रही है 1.69, उसका भी रीजन है। बेंजीन में ज्यादा क्या बनती है, अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, कई सारी स्ट्रक्चर कई सारी बन जाती है, इसमें कितनी बनेंगी, मात्र दो ही बनेंगी, ठीक है। इसलिए इसमें जो आंशिक जो आपका द्विबंध होता है उतना मजबूत नहीं होता जितना क्लोरोबेंजीन में होता है, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका रीजन क्या है, यहां फिर भी वही कहानी, देखो क्लोरीन में कितने नॉन पेयर आएंगे, 6 नॉन पेयर। जब क्लोरीन के टुकड़ा 6 नॉन पेयर आएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही यहां क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां डबल बॉन्ड आते ही कार्बन की वैलेंसी कितनी जाएगी, 5, 1, 2, 3, 4 और एक एच की वैलेंसी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये बंद भी कहां जाएगा आगे, तो पहले स्टेप में ये गया तो क्या बना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर अब ये अंदर जाएंगे तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहां प्लस चार्ज आते ही ये बंद टूटेगा, कहां जाएगा आगे की ओर, तो क्या बनेगा, देखो CH2 पर माइनस चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ये दोष की क्या बनेंगी बेटा, अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, ठीक है। ये लॉन पेयर बेटा अंदर गए, यहां प्लस चार्ज, ये उठ के कहां गए, इसके पास क्या जाएगा, माइनस चार्ज। अब चाहे तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, ये वापस आ जाए तो चार्ज खत्म, ये यहां चला जाए तो चार्ज खत्म, वापस पुनः आपकी यही स्ट्रक्चर आपके हाथ में आ जाए, ठीक है बेटा। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना में कैसे बनानी है। क्लोरोबेंजीन की पेपर में कई बार पूछी गई है, तो कृपया उसको आप ढंग से खुद से बना के देखें, ये आपकी वायलेट फ्लोराइड की है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, छोटी सी है, बन जाती, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड की वजह से क्या आता है, बंध लंबाई छोटी हो जाती है। अगर हम इन दोनों को मिला के इसका बेटा क्या बनाए, संकर, क्या बनाए इसका, संकर बनाए, बताओ क्या बनेगा, देखो CH2 CH और यहां नेगेटिव चार्ज, तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां प्लस चार्ज, तो यहां प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड यहां भी आया, ऐसे दिखा दो डबल बॉन्ड, और एक बार डबल बॉन्ड यहां भी आया तो इसे दिखा दो, ये बन गया क्या बेटा, इसका संकर प्रजाति, किसकी, वायनिल क्लोराइड की जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनका ये क्या बेटा, संकर है, हाइब्रिड, इनको मिला के बनता है, ठीक है। तो ये बेटा आपका वायलेट क्लोराइड, ठीक है बेटा। अब बेटा आपका आता है बनाने की विधियां, हेलोएरीन या कह सकते हैं हम कि बेंजीन की रिंग पर या बेंजीन की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, यानी कि आप हेलोएरीन आप कैसे बनाओगे, कौन कौन से मेथड आपके पास हैं जिनसे आप बेटा हेलोएरीन बना सकते हो बेटा, अब हम उनको देखते हैं। देखो मेथड तो कुछ पुरानी ही है, जैसे कि पहला मेथड दे रखा है बेटा माफी में कि बेंजीन का तुम्हें बेटा क्या कराना है, क्लोरीनीकरण, बेंजीन का तुम्हें बेटा क्या कराना है, क्लोरीनीकरण कराना है, किसकी उपस्थिति में कराना बेटा, AlCl3 की उपस्थिति में कराना है। तो बेंजीन की रिएक्शन बेटा किससे करानी, तुम्हें क्लोरीन से करानी है, और यहां पर बेटा तुम्हें क्या यूज करना है, AlCl3 यूज करना है। तो देखिए बनाने की विधियां,
बनाने की विधियां। पहला इसमें आता है बेटा, वही डाल देते, इसमें पहला आता है बेटा बेंजीन का हैलोजनीकरण, बेंजीन का हैलोजनीकरण। अब देखिए इसमें दो तीन तो आपकी रिएक्शन दे रखी है बेटा, फिर आपकी मैकेनिज्म दे रखी है, तो मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो देखिए पहले तो आप ये याद कर ले कि जो बेंजीन का जो हैलोजनीकरण है बेटा, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको लेना है बेंजीन, इसकी वजह से किस लगाओगे क्लोरीन से, यहां पर क्या यूज करोगे बेटा AlCl, क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब क्या होगा, ये क्या करेगा बेटा, यहां से जो क्लोरीन है बेटा, यहां से H निकलेगा, क्लोरीन वहां जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां क्या बनेगा बेटा क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा बेटा, क्या ये इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। और दीदी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले ही पढ़ चुके हो, प्लस एक क्लोरीन बचा, वहां से एच निकला तो क्या बन गया बेटा एससीएल, क्या बन गया, ठीक है। अगर हम यहां पर बीआर यूज करें, अगर हम यहां पर बीआर यूज करें तो हमें यहां क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, एसबीसीएल एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ठीक है बेटा। यहां पर क्या बनेगा, रिएक्शन सेम है, पहले सीएल था, अब कौन लगेगा बीआर लग जाएगा, तो यहां कौन लग जाएगा बेटा, बीआर लग जाएगा, और यहां बीआर लगते ही यहां पर क्या बनेगा फिर आपका एचबीआर, क्या बनेगा बेटा एचबीआर, क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, क्या बोलेंगे इसको बेटा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। आगे देखो, अब देखिए बेटा इसके बाद थोड़ा सा आप ये समझ लो कि बेंजीन की जो रिंग होती है उस रिंग में बेटा कुछ पोजीशन होती है, जैसे कि ऑर्थो पैरा मेटा, ये क्या होती है देखिए, देखो आप याद रखें जैसे कि ये बेंजीन की रिंग है और यहां पर लगा हुआ है कोई भी ग्रुप, ये ग्रुप लगा दिया, अब बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है बेटा वही डिसाइड करेगा कि ऑर्थो कौन सी है, पैरा कौन सी और मेटा कौन सी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली याद कर ले इसको, ओम प्रकाश भी कह सकते हैं या ओएमपी, जैसे भी याद हो जाए कर लेना, ओम प्रकाश यानी कि ये कौन सी पोजीशन बेटा ऑर्थो, कौन सी पोजीशन है ऑर्थो, ये कौन सी है मेटा, और ये कौन सी बेटा पैरा, ठीक है बेटा, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन, ओम प्रकाश ऑर्थो मेटा और पैरा, ये ग्रुप डिसाइड करेगा, ये भी ऑर्थो तो ये भी ऑर्थो, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो आर लगा हुआ है इसकी फर्स्ट और फर्स्ट वन वन क्या कहलाती है ऑर्थो, या फिर टू वन टू और वन टू क्या कहलाती है मेटा, और वन टू थ्री, वन टू थ्री क्या कहलाएगा पैरा, ठीक है। तो याद रखें ये ऑर्थो पोजीशन है,
ये भी ऑर्थो पोजिशन है बेटा, ये भी मेटा, ये भी मेटा और ये पैरा पोजिशन, यानी इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या है, पैरा पोजिशन। ठीक है, तो देखिए आप बेंजीन का बेटा जो हैलोजनीकरण है उसमें छोटी सी इलेक्ट्रॉन रह गई है। अगर आपके पास क्या हो बेटा, टोलुइन, क्या हो बेटा आपके पास टोलुइन हो, यानी कि यहां का लगा होता है सी एस टू और इसकी रिएक्शन किससे कराते बेटा, क्लोरीन से कराते हैं यहां पर FeCl3 की वजह से। तो क्या बनेगा देखो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में टक्कर लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, यानी कि तो यहां क्लोरीन लगेगा और एक बार में यहां क्लोरीन लग जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थो टॉलोइन और ये क्या है बेटा, पैरा टॉलोइन बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रहे बस, अगर टॉलोइन की रिएक्शन किससे करा रहे हो, क्लोरीन से करा रहे हो FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो और पैरा में क्या लग जाएगा बेटा, क्लोरीन लग जाएगा बस। ठीक है, इतना याद रखेगा। अब आती है बेटा इसकी मैकेनिज्म कि जो बेंजीन का जो हैलोजनीकरण है उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, क्या उसकी मैकेनिज्म है। तो देखिए आप इतना याद रखें कि अगर बेंजीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो बेटा, क्लोरीन से करा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जो रिएक्शन होगी उसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या होगी। तो याद रहे उस मैकेनिज्म का नाम होगा क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो पहला पॉइंट यही याद रखें आप कि बेंजीन पर जो हैलोजन लगेगा तो जो उसकी मैकेनिज्म होगी, जो अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होगी वो कौन सी होगी, उस अभिक्रिया का टाइप कौन सा है। तो याद रहे वो टाइप कौन सा रहेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, अब देखो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपने बस यूज क्या किया, आपने यूज किया है बेंजीन को, आपने यूज किया है क्लोरीन को, आपने यूज किया है AlCl। यही तो नहीं, आपने इसकी रिएक्शन से कराई, किसकी उपस्थिति में कराई, AlCl3 की उपस्थिति में। ये क्या है, लुईस एसिड है। ठीक है, अब देखो होगा, देखो बेटा ये जो AlCl3 है ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद ये क्या करेगा, यहां से Cl- को खींचेगा और बना लेगा AlCl4- और यहां से बनेगा बेटा Cl+, क्या बनेगा Cl+। और आपको दिख रहा है ये क्या चीज है, ये है बेटा इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है करें? इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही बेटा वो होता है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, अब Cl2 पर क्या बेटा प्लस चार्ज है, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएगा। अब देखिए होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, अब इससे है जरूरत इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, अब आप आ जाओ बेंजीन पर, देखो बेंजीन को आपको पता है कि बेंजीन में बेटा पाए जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन थोड़े कैसे होते हैं बेटा, थोड़े दुर्बल बंधों से बने होते हैं, तो आसानी से टूट जाते हैं और आसानी से रिंग में इंटरचेंज भी हो जाते हैं। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन स्नेही को यहां
इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा बेटा, ये यहां पर आने की कोशिश करेगा, इससे जुड़ने की कोशिश करेगा। अब जुड़ेगा कब, जब ये कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव चार्ज दिखाएगा तब ये यहां पर अटैक करेगा। अब देखो होगा क्या, इन सभी जगह बेटा क्या लगे हुए हैं, एक एक एच लगे हुए हैं। हम सारे एच को नहीं दिखा रहे, हम केवल एक एच दिखा रहे हैं। कौन सा ऊपर वाला दिखा दिया। अब देखो होगा क्या, ये बेंजीन क्या करेगा बेटा, बेंजीन क्या करेगा, यहां से बंद को तोड़ेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर। जब यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे बेटा तो यहां पर आएगा प्लस चार्ज और यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो पाई बंद है ये टूट गए, और टूट गए कहां गए बेटा, ऊपर की। अब यहां से टूटा है तो इस कोने पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और यहां क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब उस नेगेटिव चार्ज को देखते ही कौन अटैक कर देगा बेटा, इलेक्ट्रोस्नेही। तो ये जो इलेक्ट्रोस्नेही है ये कहां जाके जुड़ जाएगा बेटा, देखो क्या बनेगा, ये बंद टूटा तो यहां क्या आ गया, प्लस चार्ज, यहां या नेगेटिव चार्ज, और यहां जुड़ जाएगा बेटा क्लोरीन चार्ज। अब देखो कार्बन की बैलेंस पूरी है 1 2 3 4, लेकिन यहां पर ये जो स्पीसीज बनी है इसको हमने क्या नाम दिया बेटे, से बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, एरिनियम। पढ़ चुके हो, ध्यान देना, नोट्स में लिखा हुआ है क्लियर, ये क्या है, एरिनियम आयन। अब इस एरिनियम आयन की तुम्हें तो क्या बनानी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मैं यहां बार बार नहीं बना रहा, आपके नोट्स में बना हुआ है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो आप खुद से करना है इसको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, अब क्या होगा देखो बेटा, अब यहां पर कौन आएगा, अब आएगा यहां पर बेटा कौन, AlCl4-, फिर वापस यही आएगा। अब ये क्या करेगा, यहां से H को खींचेगा अपनी, क्या खींचेगा बेटा, H को खींचेगा। अब H को खींचेगा तो देखो क्या होगा, H गया तो देखो क्या बनेगा, यहां से ठीक है।